मतलब पानी की समस्या इधर खतरनाक हो गई, पानी की समस्या बहुत ज्यादा हो गया ना, मतलब जवान जवान तो जनी पर दाना मुताबिक पानी लेना खाना पड़ में कुछ डबल यार तुम्हें डबल दुई डबा दुई डबल यार चाची और कदा उम्र हो गया चाची आप उम्र कदा हो गया नी उम्र उम्र पिचासी पिचासी आज मतलब पिचासी साल में मतलब है उन साठ बिगड़ में वो दफ्तर से नब्बे होगी। अच्छा दफ्तर में नब्बे और अपना जो असली साल थी पिचासी करीब होगी, मतलब पिचासी साल में भी चाची पान लेना भी दबंग दमदार है ना। अरे कह दे मतलब घी घ्यू दूध खाना नतीजा था ना, कह दे आजकल तो दाल डबे नहीं मिल में अब रिफाइंड होगी, अब रिफाइंड होगी अब पहले बहुत खा पहले खूब पर हाँ अब टाइम पर भेज दो चलो लगे आज भी लोग पाँच किलो हाँ उठा सक मैं पाँच किलो नहीं उठा सक मैं डब्बा तुम पहले सात किलो ले रहे हो ना एक डब्बा आ रही क्यों सात किलो सात सात लीटर चाची आराम से पान ली जाती और खैर मजबूरी बिच अली जाने तो कारण क्या सब पानी का बड़ा बुरा हालत हुई ठीक है क्या ना पानी का ये बुरा हालत हो रही कि ये सब पहले भी आती पानी की समस्या हाँ ये सब पहले भी कब आती समस्या ना और पोर मिल पाड़े दिल्ली में अखबार के 2030 में दुनिया में पानी की हाय हाय हो जाएगी। हाँ लड़ाई तीस तीस हाँ तीसरा विश्व युद्ध जो थे ना तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा द्वितीय होगी। अब जब पहाड़ों में पानी पानी वक पानी हाय हाय हो रही तो शहर में तो लड़ाई खैर बन पहल पे चलू है ना गजर में कुल बराबर पानी नहीं कुल बराबर। अच्छा भाजी ले ये से पहले भी कभी समस्या भाज पानी ना पहले कभी नहीं हुआ एक बार हाँ अच्छा बहुत परेशानी हो तो बस में हम खुद पहन लियो मतलब एक बार वो एक बार फिर ठीक हुई फिर बैलेंस हो गया था ना फिर दोबारा फिर गाँव में पहन आएंगे। अब अगर इन चलते रह लू गर्मी तो साल साल बढ़ में तो वे बात क्या स्थिति होने वाली है हमारे गांव की बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ हमारे गांव नहीं था जो मतलब गांव गांव में गांव गांव बहुत स्थिति खराब है कमी किला होने के बाद सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग खेती बाड़ी छोड़ यार हाँ अब खेती बाड़ी में जब खेती बाड़ी करता है लगान चाहिए तो जमीन तो जुतनी चाहिए तो जन बरखा होनी चाहिए तो बरखा मुँह जमीन पेड़ पैन को चाहिए तो मास हमारे जन डाउन हो एक बटी डेढ़ किलोमीटर दुई किलोमीटर मास तो दुई किलोमीटर के अंदर पैन ही धरती अंदर समा जान छ और जो मास धीरे धीरे करके जल स्रोत रूप में डेढ़ किलोमीटर अब खेती बाड़ी तो बंद हो गया अब थोड़ा बारिश होने तो सीधा वो पैन सीधा वही गजर चल जाए पैन सबसे बड़ी दिक्कत हमारे अच्छा यू प्रधान जो जब मतलब प्रधान राज गड्ढा गुड्ढा बनाया थी पर उस सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो गड्ढा मिलो कचोर कचार दी ना 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 वो जर जरा मतलब दिहाड़ी मजदूरी पका दे जन जलाशय टापक जलाशय बना थी ना वही टापक नहीं बनो नहीं बना अब जब बना थी पर वो कख बना थी डैम टाइप में जबकि जलाशय कम बना चाहिए जरा गहरी हाँ वो अगर हम रुक जा धरती ता समारे हम तो सरकार से यू नियोजन से कि मनरेगा जो भी एक स्कीम बनाओ कि खेती बाड़ी करो 300 रुपये दिहाड़ी दो 200 दिहाड़ी दो बिल्कुल खेती बाड़ी करो बल्द ले आओ बल्द बोल तो पैसा दो। अब जब और दे दे मन रहेगा बेकार कई स्कीम मिलने से कि हम फायदेमंद रास्ता कत बनाना हर बार हाँ हर बार बेकार कई बार रास्ता बना में कई बार उन भीड़ दे में फिर भीड़ वो जुड़ जाती वैसा बढ़िया तो एक जोड़ी का बल दे रहा हर परिवार में जो कर सकल और वैसे 200 रुपये दिहाड़ी 300 रुपये दिहाड़ी दो खेती कर लो कुछ ना कुछ तो बहाल। अच्छा बिल्कुल सही एक मुद्दा रख तुम लोग कि जन किसान सम्मान निधि मिल में किसान सम्मान तो किसान सम्मान निधि वो था मिल में ही जो जो गांव में रहना भी नहीं थी ना ना वो था मिलन चंद जो खेती कर में लेकिन वो मिल में अगर बल्द अगर वे मिल हो जाए कि किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ के वे तो तुम 10000 के तो लेकिन वे था जो जय का बल्द थी वाह जय का बल्द थी है बिल्कुल बिल्कुल और एक सर्वे करो कि जय खेती
खंडू हाँ। तीसरी किस्त जो जे खेत में अन्न उग गया उगी गया है ना बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो एक सरकार दीन तो मैं पर पेमेंट बाद में फसल देखे फिर वो एक फायदा भी बीच ना अब जब खेती कर रहा तो जो जानवर थी हमारे बंदर ज्यादा लंगूर ज्यादा होगी सुअर सुअर ज्यादा होगी तो फिर दूर दूर रहा जो गांव में नहीं फिर तो खान पीने का आधार वो की मिल जाए बिल्कुल और फिर घर में गांव में आजकल जो बाग बाग लगनो छ अब जब जंगो तो कुछ खाना खाने नहीं छ बिल्कुल अब जब जानवर वकी रहा तो बाग में वो की खाना पीने लगी रहा बोल फिर गांव के नजदीक नहीं आलो तो सबसे बड़ी जो खेती की सोचो खेती तो उपजाऊ बनाया हूँ बस वो एक गवर्नमेंट ने कहा एक स्कीम होनी चाहिए जरूर सरकार की मतलब जो भी स्कीम हो वो सब कुछ मतलब कि स्कूल बढ़ाओ तुम बड़ा बड़ा जब बच्चा नहीं चाहिए बच्चा नहीं चाहिए क्या फायदा होता है हॉस्पिटल बनाओ जब लोग ही नहीं चाहिए तो इलाज क्या कर बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अगर मनरेगा खेती काम वालो तो वे कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव रस्म मिला कुछ नहीं वाले तो पैन तो वाली नहीं तो पानी पानी जो जल स्रोत सुखल हमारा पर्यावरण पर असर आलो पानी गर्मी कम रह बिल्कुल बिल्कुल गर्मी देखो मेन पानी हाई हाई होनी चाहिए और हम तो कल्पना करी थोड़ा सी डर भी लगनी चाहिए स्थिति रैली एजुकेशन में भी बदलाव होना चाहिए खेती शिक्षा खत्म हो गया लेकिन बस हमारा मुद्दा जो है पानी मेन है ना तो आप जन हमारा भाई साहब हेडमास्टर छे आप स्कूल में और मतलब एक हिंदी गणित चाहे इतिहास पढ़ाओ वो तो चलो पढ़े होने चाहिए ना वो तो चलो सामान्य लेकिन विशेष पढ़ाई पहाड़ों क्यों होनी चाहिए विशेष सोच की जन रोजगार परक शिक्षा थे जैसे कि मतलब कहीं भी कोई बच्चा में कोई हुनर छ हाँ वो हिसाब से बच्चा का हुनर था वो तो मतलब बढ़े जाएगा नहीं इंटरप्रेन्योर बनेगा हाँ वो तो अभी मौका दिए जी कि जन के मतलब अपने हुनर था एक अपन रोजगार में तब्दील कर सकते तब वैसे एक जो कि नौकरी भागम भाग भी बच जा वो सरकार अखंड भी थोड़ा आसान हो जालो और एक भीड़ भी कम हो जालो कि जो मतलब हर नौकरी पिछले जो लोग शहर तरफ पलायन कम हो डालो और गांव ब्यावत रहा और जो स्थिति आज गांव की स्थिति हो चुकी शहरों में एडमिशन अखंड मारा मारी से और गांव में ढूंढने भी एडमिशन नहीं मिलना गाँव धीरे धीरे स्कूल मर्ज कर मर्ज होना कारण ही चाहिए कि लगी आबादी धीरे धीरे घटनी जब नई पीढ़ी गाँव में रुकल ही ना तो फिर बच्चा स्कूल में का घोटाला बिल्कुल एक कारण दे अब जन जंगलों का आग आजकल प्रत्येक जगह देखो लापल की सब जगह जंगलों का आग अब जंगलों का कारण क्या उनकी जो छोटे छोटे पेड़ पौधे जो खत्म और बीज वो खत्म मिट्टी जो थोड़ा ढीले हो जाते फिर बरसात हो तो फिर पूरा पानी बोगी गुन चला पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा रह ली तो स्वाभाविक बात है कि एक सबसे बड़ी चीज है कि अगर श्रोता का आस पास हो एक मध्य एरिया में चौड़ा पत्तीदार पेड़ लगे जाला अच्छा। तो वो एक जन बांझ क्या चीज़ बांझ जो पत्तों को चुए नमी बन दे ह्यूमस बन दे तो ह्यूमस जो चुए पानी की रिसाव ज़्यादा बढ़िया हूँ तो जब भी बारिश होकर हूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमीन भी दर जान कोई कारण रिचार्ज जो स्रोत छू रिचार्ज कर देंगे लेकिन आज की स्थिति होती है कि जन चीड़ जगह जगह से सुरह से ये सबसे अग्निवृक्ष नाम धरने चाहिए कारण एक तो जमीन मार्ग ज़्यादा कारण हो गया और दूसरा कारण से कि जो जमीन का पानी चाहिए था भी खत्म कर दो यूकेलिप्टस सीड एक सुराई जैकन बोल दी कॉमन फंड ये चीज जो थी पानी का बड़ा उची तो जमीन में पानी कमी जड़ों कारण हो जान और दूसरा कारण क्या उनकी जब पिरूल वगैरह ज़्यादा गिरे तो वो कारण हाँ वो था वनस्पति भी खत्म हो जान और आग का कारण ज़्यादा बन दो पुराना जो डाला डाला भी हो जाते जल दे खड़ा खड़ा डाला लीसा कारण मतलब चीड़ा का पेड़ चीड़ा थोड़ा कम हो जाना चाहिए और जो ना पेड़ छी जो चौड़ी पत्तेदार पेड़ छी बांझ छी और संरक्षण ज्यादा होते हैं जय कारण थोड़ा सा पर्यावरण लंबू टाइम बचे रहा तो सब बचा रहा पर्यावरण निराल बचे तब बचो मुश्किल से